मैंने पापा के एक छाती पर रखा, दूसरे से गोली लेकर मार दी और फिर पापा का गेट का सर लग गया। फिर मम्मी ने तकिया लगा दिया। फिर पापा गली की तरफ सकने लग गए ना, फिर मम्मी ने लात मारी, पापा उसी जगह पे वापस आ गए। तो भाई जो ये बिटिया है उस चीज की साक्षी बतावा है, मैं उस बात की गवाह हूं जिस टाइम पर इसके पिता की हत्या हुई। भाई आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पक्ष से लगने लग रहे हैं, कोई ये भी कहने लग रहा है कि भाई सिखाई है, लेकिन भाई खुद माँ बाप जो है प्रदीप के कहने लग रहे हैं भाई हमने नहीं सिखा रखी। चार पांच बार जब बड़े बड़े अधिकारी अफसरों ने जब पूछताछ कर ली, जब उन्होंने कहा कि भाई नहीं सिखा रखी, तो इसका मतलब नहीं सिखा रखी। बिटिया क्या नाम आपका? जोयल। बेटे सबसे पहले तो ये बताओ भाई आपके पर कोई दबाव आपके दादा दादी का या किसी और का कोई दबाव, कोई गुस्सा गस्सा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं सिखा रखा? नहीं। तो बेटे क्या देखा था उस दिन आपने जिस दिन आपके पापा की हत्या हुई थी? मैं अंदर सोई थी, यहाँ पर डबल बेड था, पापा घर बाहर से आए थे और पापा ने बोला मोनिका, पापा ने रुक मारा मोनिका, मम्मी इस कमरे में लेटी हुई थी, लाइट ऑफ थी। और पापा फिर मैं भागी भागी आई और पापा ने मैं गोदी उठा ली और फिर पापा इस कमरे के चौखट में खड़े हो गए। फिर मम्मी का पूरा शरीर नहीं दिख रहा था, बस मम्मी का मुंह दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर पापा ने मम्मी से गर्म पानी मांगा, मम्मी ली आई। जब पापा ने सारा पानी पी लिया ना, मम्मी ने ग्लास रखने के जगह अंदर चली गई। फिर पापा ने मुझे उतार के कहा जा बेटा अंदर जाके सो जा। फिर मैं अंदर गई ना, मम्मी काट के अलमारी का ताला खोल कर उसमें सुगन नहीं होती है यहाँ पर टांग ली अपने और पापा के सामने चले गई। मुझे लगा पापा से देरी है। फिर मैं मम्मी के पीछे पीछे चली गई और जाके सोफे पे बैठ गई और फिर मम्मी पापा के बिल्कुल पास ही खड़ी थी। फिर मम्मी ने पापा के एक छाती पर रखा, दूसरे से गोली लेकर मार दी और फिर पापा का गेट का सर लग गया। फिर मम्मी ने तकिया लगा दिया। फिर पापा गली की तरफ सकने लग गए ना, फिर मम्मी ने लात मारी, पापा उसी जगह पे वापस आ गए। अच्छा बेटे जिस टाइम पर गोली मारी आप वहीं थे? हाँ। तो आपने कोई गिलकी वगैरह नहीं मारी? डरे नहीं थे आप कुछ? मैं डर गई थी बहुत ज्यादा और मेरा उस टाइम पे गला भी बहुत खराब था, इसलिए मैं किलकी नहीं मार पाई। और फिर मम्मी लात मारी ना, पापा उसी जगह पे वापस हो गए और बोली कुत्ते सोख भी मेरा पैसा भी मेरा। ओ कुत्ता उसका जीजा। तो भाई एक बार जो सीन रिक्रिएट, एक बार कैमरा मैन को भाई घुमा के दिखा एक बार। बिटिया आप कहाँ सोने लग रहे थे जिस टाइम पर, एक बार दिखाते हैं भाई। देखो भाई माँ बाप का गुस्सा भी जायज है क्योंकि जो उस मामले की गुत्थी है वो अभी तक नहीं सुलझी है। बार बार जो देखो भाई ताऊ ताई का रो रो करने वो इसलिए बुरा हाल है क्योंकि गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। यहाँ पर भाई बेड था, दूसरा बेड था बेटे यहाँ पर, उस टाइम पर डबल बेड था। तो अलमारी कहाँ पर थी? वो ये अलमारी यहाँ पे थी, ये मशीन वहाँ पर थी और फ्रिज यहाँ पे था और काट के अलमारी वहाँ पे थी। काट के अलमारी थी वो? हाँ। अभी कहाँ पर वो अलमारी वगैरह? परले कमरा में। तो भाई गुड़िया बता रही है, क्या नाम बेटा अपना? जोयल। तो भाई जोयल बेटी बता रही है भाई वो अलमारी उस टाइम पर यहाँ थी और यहाँ पर एक बेड था, तो बेटी यहाँ पर लेटी हुई थी और जब इसकी माँ ने जो गन निकाल ली अलमारी से, वो निकाल के यहाँ कहाँ लगाई उन्होंने? यहाँ टांग ली। तो फिर कहाँ गई? आ जाओ एक बार बेटे। तो भाई ये सीन रिक्रिएट है जो गुड़िया बताने लग रही है जोयल। तो भाई यहाँ पर जो ये बैठक है, डेड बॉडी कहाँ मिली थी लास्ट में? डेड बॉडी कहाँ थी बेटा? यहाँ पे पापा का सिर था। हाँ, पापा के यहाँ पे पैर थे। अच्छा यहाँ पर पैर थे जिस टाइम पर, आ जाओ एक बार। तो भाई ये सोफे सेट यही लग रहे थे बेटा? नहीं, ये दोनों यहाँ पे थे, ये वहाँ पे था। तो आपकी मम्मी पापा है जो बातचीत करने लग रहे थे जिस टाइम पर आए, आप कहाँ बैठे थे? मैं इस साइड दिखा दो भाई एक बार, ये भाई सोफा इस तरफ था यहाँ पर। तो बेटे आपके पापा हैं जो जिस टाइम पर आपकी माँ ने गोली मारी, तो आपके पापा कहाँ खड़े थे? पापा यहाँ खड़े थे। यहाँ खड़े थे? हाँ। आपकी माँ? मम्मी यहाँ पे खड़ी थी। यहाँ खड़ी थी, ठीक है। और फिर मम्मी ने एक छाती पर रखा, दूसरे से गोली निकाल कर मार दी। फिर पापा का ये गेट, पापा ये गेट पापा क्या करने लग रहे थे? फोन देख रहे थे उस टाइम पर। हाँ। अच्छा, तो ये जो इस तरफ वाला जो दरवाजा है ये बंद था या खुला था? बंद था। ये बंद था? हाँ। अच्छा, तो फिर गोली मार दी आपके पापा, यहाँ गिर गए। ये
खुला था। ठीक है, जैसे ये गेट खुला था उस टाइम पर, ये बंद था। अच्छा, ये ऐसे था, यूं था गेट। भाई ये गेट उस टाइम पर जो गुड़िया बता रही है ये सिचुएशन में था, तो यहाँ गिरने के बाद सिर इस गेट का लग गया यहाँ पर। हाँ। लगने के बाद में क्या हुआ बेटा? फिर पापा गली की तरह सिरक में लग गए ना, पापा यहाँ आ चुके थे। फिर मम्मी ने लात मारी और बोले कुत्ते अशोक भी मेरा, पिसा भी मेरा। अच्छा, ये क्या क्या, अशोक भी मेरा और पिसा पैसा भी मेरा। हाँ बेटे, देखो ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी प्रकार की ये तो नहीं भाई को बहका रखे हो आप, आपने आपके किसी ने ये बोल रखा हो कि भाई आपने ऐसा ही बोलना है। नहीं, किसको डर रहो? नहीं। अच्छा बेटी, इतने महीनों तक ये बात आपने क्यों नहीं बताई, 4-5 महीनों के बाद आपने ये बातें बताई? मैं भागने लगी ना दादू को बुलाने में, मैंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली अगर ये बात किसी को बताती तो तुझे भी मार दूंगी। अच्छा, ये बात बोली? हाँ। तो भाई बेटिया कहने लग रही है कि भाई जब जिस टाइम पर इसकी माँ ने गोली मारी इसके पिता को और ये भागने लगी बाहर बताने के लिए, तो भाई इसकी माँ ने कहा कि मैं आपको भी गोली मार दूंगी। ये बयान भाई खुद बिटिया का है जो बताने लग रही है। तो उसके बाद बिटिया आप जैसे आप जा रहे थे, आपकी माँ ने कह दिया भाई आपने किसी को नहीं बताना, तो आप वापस फिर अंदर जाके सो गए या फिर यहाँ यहीं खड़े रहे? मैं यहाँ पे खड़ी थी और यहाँ चारपाई नहीं डली थी, उस पर मम्मी हंस के बैठ के बोली प्लान सक्सेसफुल हो गया। फोन मिला था किसी के पास? हाँ। फोन मिला था, वैसे कह रही थी फोन मिला के बोली प्लान सक्सेसफुल हो गया। प्लान सक्सेसफुल हो गया। हाँ। कितनी उम्र होगी बेटी आपकी? 9 वर्ष। 9 वर्ष, कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 4th। देख लो भाई, 9 साल की गुड़िया है और जो ये बातें बताने लग रही है, आगे की जो बात है वो खुद जो प्रदीप हुड्डा के जो पिताजी हैं इन्होंने बताई है कि भाई आने के बाद जो सिचुएशन थी, जो दरवाजा कैसे खुला था अंकल जी? ये बेटा ये मैन सिचुएशन है ये। हाँ। जो दरवाजा यूं था और मेरे बेटे सर यहाँ था, पैर यहाँ थे, तो उसमें छरका नीचा तक यह लग रहा था और आसपास का पानी बिखर रहा था और उस पानी को कपड़े से साफ कर रखा था, मतलब गीलापन था, पानी नहीं दिखाई दे रहा था। चलो भाई देखो, फिलहाल एक लास्ट आज तक एक बार न्याय की जो गुहार है जो परिवार लगाने लग रहा है, तो भाई अंत में जो परिवार क्या चाहे, बेटे आप क्या चाहते हो, किस प्रकार का न्याय आपके पिताजी को मिलना चाहिए? मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए और मेरी मम्मी को जेल में डालना चाहिए। जेल में डाला जाना चाहिए। चलो भाई, आज अंकल जी क्या गुहार लगाना चाहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी, शासन से, प्रशासन से, कि अभी तक कितने महीने हो चुके हैं इस केस को, कोताही कहां पर थी, जारी कहां पर कमी है, क्यों नहीं न्याय मिल रहा अभी तक? मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के, पुलिस प्रशासन से भी, सरकारी तंत्र से भी जी, और हमारे देश की राजनीति से भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूं हूं कि मेरे बेटे को न्याय दे दो, उसके कत्ल को पकड़ लो। हमने जो उठे मान रहे हैं पुलिस प्रशासन, अगर गुड़िया ने शखा के ले रहे हैं, हम शखा के ले रहे हैं, 8 महीने हो गए, उनकी नजर में कोई अलग कत्ल है तो उसको भी पकड़ के दिखा दो, मेरे बेटे के कत्ल को पकड़ लो, मुझे यह जरूरत है, वरना मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है, पढ़ाई तक खत्म हो रही है, इसकी पढ़ाई नहीं हो रही, वो घर बैठी है डरती, क्यों वह उठा ले जाएगी, हम उसके डर के मारे इसने घर पर रख रहे हैं, इसकी जान की सुरक्षा की मांगा हाँ प्रशासन से और मेरे बेटे न्याय मिलता। बिल्कुल, देखो भाई एक पिता का कहना है कि प्रशासन इस मामले में भाई जांच करे, जांच में चाहे कोई भी दोषी हो लेकिन इस मामले की दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और जांच में जो भी हत्यारा है चाहे वो प्रदीप हुड्डा की पत्नी हो चाहे अन्य कोई दोषी हो, लेकिन हाँ लेकिन जो बिटिया के जो बयान है इन बयान को लेकर के भी आपने पर्सनल अपनी राय रखनी है कि भाई मात्र 9 साल की जो बिटिया जो चौथी क्लास में पढ़ाई करती है भाई, इसके जो बयान जो कह रही कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जो इसके ऊपर जो बीती है भाई, देखो बड़े बड़े अधिकारी भी हुए हैं, बच्चों से जब बार बार पूछताछ भी करते हैं, जांच पड़ताल भी करते हैं, अपने लेवल के ऊपर अधिकारियों ने पूछताछ भी करी है भाई, एक पिता का कहना है कि भाई पूछताछ में बिटिया का जो बयान है वो क्लियर हुआ है कि भाई इस प्रकार की हत्या की गई है। हालांकि दूसरे पक्ष से भी हम बातचीत करेंगे, फिलहाल प्रदीप हुड्डा की एक माँ जो रो रो करके बुरा हाल है, बार बार न्याय की गुहार लगाने लग रही है, अंत में एनजीएम थाने वाले नुकर दादा दादी ने शिकायत की है, बेरा तो बेटा था रहा माया में क्यों शिकाव दे, अरे बोला मैंने उस कुत्ती ने एक थप्पड़ में मार दिया मेरा बेटा और मेरे बेटे के धोखे तो मार दिया, मैं जीत जा के चक्कर में मेरा घर पर बात कर दिया। बेटा क्या अपील करेंगे हरियाणा सरकार से, शासन से, प्रशासन से, जो अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा
मेरे बेटे की आत्मा मेरे बेटे की आत्मा शांति से भाग का कत्ल पकड़ा था। ठीक बेटा, मेरा बेटा उसके जीता अंदर वो निकाल मार रखा है ना तयीब ताई कोठे आवे क्यों ना है। और जब मेरी बेटी ने देख रहा क्यों बार बार से जलने निकाल आंती जो लेने क्यों आवे है। और वही भी सुन तुम की दवाई है न्यू कह है ऊपर भी ना कोर्ट में भरवाऊंगी शनी अरे वो के नाम उसका परवीन है अरे सो कर्मोनी का उन मोटरसाइकिल ने बताई है ना तो मैं रिंकू का नाम लेती ना उसके भाई रवि का नाम लेती। काल ने मेरे बाल का कम भी मारा बिगड़ गया ना तब बक्सू में भी नहीं गई बेटा मारी मौत के जिम्मेवार हुए हैं। ठीक बेटा, हमने धमकी दो पीस आवे कुछ भी करवा सके हैं। माम गरीब आदमी हम गरीब आदमी है जो भी मेरे बेटे का कुछ भी नहीं बनता। अरे मेरे बेटा दुनिया की सेवा करता रे सरकार की मदद करता आज मेरे बेटे ने कुत्ते वाली मौत मार गई वाह। बिल्कुल देखो भाई स्पेशल सेल में होगा दिल्ली पुलिस में दूसरों को न्याय दिलाने वाला जो प्रदीप हुड्डा है आज खुद उसको ही न्याय नहीं मिल रहा इसके माता पिता के जो द्वारा जो बताया जा रहा है और बार बार खून के आंसू जो रोया जा रहा है कि हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए लेकिन भाई माता पिता बार बार शासन प्रशासन का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बेटे के जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और सामने आने चाहिए भाई आखिरकार इनके बेटे की हत्या क्यों की गई। 4-5 महीने के बाद जो बेटी का जो बयान आया है उस बयान को लेकर के ही जो माता पिता दोबारा से फिर एक्टिव हुए हैं कि इनके बेटे को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे, दूसरा पक्ष से एक बार उससे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैनल सोगिंजार के साथ रोहतक जिले के गांव रुड़की से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।